हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आई फेस। यस, अगेन अ न्यू बिगिनिंग माय फ्रेंड। आज भी मैं आपके लिए सवाल लेकर आया हूँ सीएसआईआर नेट का, और बहुत ही अच्छा सवाल मैं कह रहा हूँ। जो पहले भी हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े हुए हो, इतना दिनों तक जुड़े हुए हो, उनका भी एक लेवल अप होने वाला है इन सवालों के माध्यम से। आकांक्षा जी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रीति भार्गवा वेरी गुड मॉर्निंग, मंजू गणेश वेरी गुड मॉर्निंग, दीपक कुमार सिंह जी वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम, सुवर्णा मोशन जी वेरी गुड मॉर्निंग, विवेक कश्यप जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव आपका सवेरा बहुत अच्छा हुआ, सुबह से आप बेहतरीन तरीके से जो भी आपका प्रोजेक्टेड पढ़ाई है वो आप पढ़ रहे थे। मेरे दोस्त, मैं बार बार कहता हूँ, IFS ऐप में सुबह हर दिन CSIR नेट का बैच सुबह 8 बजे शुरू होता है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ भी जुड़े हुए हो, उनके लिए भी मेरा एक सलाह है। देखिए, सुबह सुबह उठ के, मुझे याद है स्कूल वाले दिन या फिर 11-12 की वो दिनें जो सुबह सुबह उठ के हम ट्यूशन से या पढ़ने के लिए जाते थे, मैं हमेशा कहता हूँ इस उम्र में आके जो रियलाइजेशंस होते हैं, हर दिन सुबह खुद के लिए कुछ काम करिए। यानी सबसे पहले उठकर जो पढ़ाई आप खुद पढ़ना चाहते हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, फिर आप ऑनलाइन बैचेस में पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाई कर रहे हो, ऑब्वियसली आप वहां पे जाइए। मैं ऑफलाइन सेंटर के बच्चों को भी कहता हूँ, बट सुबह सुबह उठ के ही अगर आप पढ़ने के लिए जाते हो तो शुरुआत से ही पूरा दिन ऑक्यूपाइड रह जाते हैं पढ़ने में। लाइक यू आर इंस्टॉलिंग द थिंग्स, यू आर डाउनलोडिंग द थिंग्स, इट्स बेटर टू राइट ऑन ए व्हाइट पेज। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपका प्रिपरेशन में बेहतर हो सकता है अगर सुबह सुबह उठ के आप सबसे पहले किताब लेकर एकदम आराम से, कोई भी डिजिटल कंटेंट ना लेकर, मानिए आपके हाथ में फोन है वो है, उसके माध्यम से भी आप पढ़ते हो, यूट्यूब में भी पढ़ते हो, वो खैर ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ किताब लेकर सुबह सुबह या आपका कॉपी लेकर जिसमें आप नोट बना रहे हो उसके साथ वक्त बिताइए। फ्रेश माइंड के साथ हमेशा एक गुड इफेक्ट आने वाला है उसके दौरान। माय फ्रेंड, आई बिलीव बहुत जोर शोर से आपका प्रिपरेशन चल रहा है। आई नो 3 मंथ्स आर रिमेनिंग, बट दोज हु आर टॉप रैंकर, आई नो उसके अंदर जो आग है वो आज कल या परसों हर दिन बेहतरीन तरीके से मेहनत करेगा। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी, वेरी गुड मॉर्निंग अलाना जी, वेरी गुड मॉर्निंग शिवानी जी, हरबिंदर कौर जी, वेरी गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। तो चलिए आज देख लेते हैं। सर, माई दादी यूज्ड टू से सुबह का पर्दा हुआ कभी नहीं भूलता, सुबह का परा हुआ कभी नहीं भूलते। राइट, सुबह का परा हुआ कभी नहीं भूलते। देखिए, सो ये पुराने जमाने से चलते आए हैं, तो क्यों ना हम उसको फॉलो करें। तो देखिए, मैं आपको कह चुका हूँ CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड का बैचेस के बारे में, वो तो बैच चलता रहता है, हर 2 वीक्स के बाद बैच लॉन्च हो रहा है, तो आप थोड़ा देखिएगा। अभी मेरे स्टूडेंट हो आप तो आपको पता चल ही गया है। दूसरी बात, अब फोकस CSIR नेट पे, ये जो सीरीज है ये नेक्स्ट वीक पे भी चलेगा। आप लोग कह रहे थे कि सर क्या हर दिन ये एप्टीट्यूड का सेशन चलेगा? जी हाँ चलेगा, ये 6 लेक्चर्स हो जाएगा इस वीक में। नेक्स्ट वीक से मंडे को फिर से हम 11 बजे लौट के आएंगे, ठीक है? तो 11 बजे हर दिन ये 7-8 ऐसे करके लेक्चर चलेगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। मेरे फ्रेंड, आज आपके लिए सवाल है, देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर फॉर यू फ्रॉम CSIR नेट JRF जून 2021। जून 2021 मतलब यही एग्जाम हुआ था फरवरी ऑफ 2022 में। अगर आप कहोगे सर ये कौन सी एग्जाम है, लास्ट ईयर यानी 2022 में जो फेब वाले एग्जाम हुआ था उसका सवाल है। करिए सर, केमिकल साइंस वालों के लिए है ये एप्टीट्यूड। यस यस ज्योति, केमिकल साइंस वालों के लिए है, केमिकल साइंस वालों के लिए है, लाइफ साइंस वालों के लिए है, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, आर्ट साइंस, पूरा CSIR नेट के लिए एप्टीट्यूड है, राइट? चलिए मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। मुझे लग रहा है अभी तक हमारे सारे दोस्त जुड़े नहीं है। देखिए, जुड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे बी आप घर पे जब सवाल कर रहे हो, इतना PYQ आपके पास हमेशा होता भी नहीं है और घर में करने में आलसी भी होता है, तो प्लीज और प्लीज ये सेशन को ज्वाइन करिए, हर दिन ट्राई करिए सवाल को यहाँ पे ही करने के लिए। सिमरन जी वेरी गुड मॉर्निंग, सिमरन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, गुड मॉर्निंग आई बिलीव। ज्योति जी यस वेलकम। दोस्त लोग को बताइएगा एक साथ यहाँ पे सेशन में, आपके सिटी में जितने दोस्त है सबको बुला लीजिए कि चल यार एक साथ, एक
है ना सर, एक माहौल बनना बहुत जरूरी है। मे बी आप ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में हम देखते हैं माहौल के वजह से बहुत सारे बच्ची जो है एक्सेल कर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके माहौल, उनका रूममेट, अच्छा फ्रेंड्स, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना मैं करूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन एनवायरमेंट। ओके, मानिए आप एक दिन में 10 फल खाते हो, या फिर मान लीजिए आप एक दिन में 10 काम कर सकते हो। जब भी आपके सामने एक आदमी आ जाएगा जो एक दिन में 20 काम करेगा, आपको भी बिलीव होता लगेगा क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं करूंगा। लेकिन जब तक ये आदमी ही नहीं है आपके अगल बगल में, आप कैसे खुद को मोटिवेट करोगे, राइट? सो हमेशा चूज योर सर्कल वेरी वाइज, इन ए वेरी वाइज मैनर। ओके, तो मुझे बताइए ये सवाल, ये इस सवाल का जवाब क्या होगा। यस सर, लाइक एंड शेयर कर दिया, क्या बात सिमरन जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, सुलग्ना जी कह रहे हैं ऑप्शन टू, आकांक्षा राठी इज सेइंग ऑप्शन टू, लेट्स सी व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ इट। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या है, बहुत सिंपल है, रेशियो का सवाल है, मिक्सचर का भी एक दो सवाल मैं लेकर आया हूं। तो इन सवाल को कैसे करना है जी, सिंपल सवाल है। देखो, मिल्कमैन एड 10 लीटर्स ऑफ वाटर एंड 90 लीटर्स ऑफ मिल्क After selling 1/5 of the total quantity. एक-एक करके हम आएंगे। सबसे पहले देखिए, 10 लीटर्स ऑफ वाटर और 90 लीटर्स ऑफ मिल्क उन्होंने मिक्स किया। तब मान लेते हैं टोटल जो है वो क्या बन जाएगा, टोटल जब बन जाएगा 100 लीटर्स, यस और नो बताइए, यस और नो बताइए। 10 लीटर ऑफ वाटर और 90 मीटर्स ऑफ मिल्क को अगर आप मिक्स करोगे, ऑब्वियसली वो तो एक लिक्विड ही है, तो वो लिक्विड कितने का होगा, 100 लीटर का आ गया। अब देखिए उनमें आपका वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है, अल्टीमेटली तो रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है। तो वाटर और मिल्क का रेशियो, माय फ्रेंड, ये तो बचपन से आपको पता है कुछ नहीं जी, वाटर कितना है 10, मिल्क कितना है 90, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हुआ 1:9, इसमें भी कोई दुविधा नहीं है, ठीक है ना। हम ब्रेक करके एक एक करके करेंगे, आप देखिएगा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस रेगुलरिटी रखना है आपको। आफ्टर सेलिंग 1/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ही एड इक्वल टू द क्वांटिटी ही हैज सोल्ड। तो देखिए आप जो काम करते हो एग्जाम हॉल में जाके, पहले ही 3 लाइन पढ़ लेते हो, खुद के ऊपर भरोसा रखिए और एक एक करके काम करिए। मानो आप पहले 3 लाइन पढ़ोगे, फिर से उसको रिपीट करोगे समझने के लिए, क्योंकि ये तो हमारा मदर टंग नहीं है, तो 2 बार पढ़ लिया, टाइम गया, फिर आप शुरू करोगे तीसरे बार पहला लाइन पढ़ के, उसके बाद लिखोगे, बहुत वक्त जाते हैं। तो बी कॉन्फिडेंट, हैव एक्सपीरियंस, एक एक लाइन की इंफॉर्मेशन एक एक लाइन पे लिखिए। अब देखिए आफ्टर सेलिंग 1/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी, टोटल क्या है यार 100, उसका 1/5 क्या होगा, 1/5 ऑफ 100 यानी 20 लीटर्स, ऑब्वियसली ये सेल कर दिया उन्होंने। ओके, ही एड्स वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी ही हैज सोल्ड, कोई बात नहीं, कितना सोल्ड किया 20 लीटर्स। तो अब क्या बन गया मुझे बताइए, अब जो बन गया अभी टोटल 100 था, तो रिमेनिंग कितना बन गया, रिमेनिंग बन गया बताइए, रिमेनिंग बन गया 100 माइनस 20 यानी 80 लीटर्स ऑफ जो भी है आपका लिक्विड रह जाएगा। उसके बताया ही एड्स वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी ही हैज सोल्ड, उसके बाद 20 लीटर ऐड करेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बताया गया था प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क ही सेल्स नाउ वुड बी। लेकिन उससे पहले यह पता होना जरूरी है मेरे दोस्त, इस 80 लीटर्स में बाकी कितना वाटर है और कितना मिल्क है। मतलब सर टोटल तो 100 था, 20 लीटर टोटल में से सेल कर दिया, तो कितना वाटर सेल किया और कितना मिल्क सेल किया, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं बहुत इजी है। देखो यार 80 लीटर्स में इस रेशियो के हिसाब से ही वाटर और मिल्क रहेगा और कुछ नहीं, हमेशा याद रखिएगा रेशियो सेम है वाटर और मिल्क का हमेशा। तो अगर 80 लीटर में आपको वाटर ढूंढना है, तरीका क्या है, तरीका तो वैसे बहुत है, ठीक है, मैं आपको दोनों ही मेथड दिखाऊंगा, बस सबसे पहले सवाल सॉल्व कर लेता हूं, फिर मैं आपको और एक कंसेप्ट दिखा देता हूं। तरीका ये है, अगर वाटर निकालना है, वाटर का भाग कितना है, एक भाग पानी है, कितने में, टोटल 10 भाग है, क्यों, पानी का एक भाग और मिल्क का 9 भाग मिलाकर टोटल बनता है 10 भाग, इन 10 भाग में एक भाग वाटर और टोटल कितना है 80 लीटर ऑफ वाटर है, मतलब 8 लीटर वाटर है, समझ में आया, 80 लीटर में 8 लीटर ऑफ वाटर है। तो मिल्क कितना है, मिल्क आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि अगर 80 में से 8 लीटर चला गया तो 72 लीटर मिल्क रह जाएगा, हाँ या ना जी, यस और नो, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग मोली, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम।
तो अगर 80 में से 8 लीटर चला जाएगा तो 72 लीटर मिल्क रह जाएगा, और डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो 9/10, 9 भाग मिल्क है 10 में से मल्टीप्लाइड बाय 80 यानी 72 लीटर्स ऑफ मिल्क रह जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब देखिए बताया गया है 20 लीटर जो सेल किया गया है उतना ही वाटर आपने ऐड किया, तो अगर उतना ही वाटर ऐड करोगे मेरे दोस्त तो वाटर क्या बनेगा, 8 तो था ही, 8+20 यानी वाटर इज टू मिल्क क्या होगा, वाटर बन गया 28 और मिल्क है 72। क्लियर है कि नहीं बताइए मेरे दोस्त, क्लियर है कि नहीं प्लीज मुझे बताइए कि बताया गया है जितना सेल किया था उतना ही वाटर आपने ऐड किया इस मिक्सचर में। यस प्लीज मुझे बताइएगा, सबके लिए क्लियर है तो ठीक है। तो आपने क्या किया, मैं एक बार और एक बार रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे सर वाटर है और मिल्क है, उनका रेशियो पहले बच्चों की तरह हमने लिख लिया, टोटल क्या है 100 है, उनमें से 20 लीटर सेल करोगे तो बाकी कितना रहेगा 80 लीटर। अब बताया गया है यहाँ पे 20 लीटर ही पानी ऐड करना है, लेकिन ये भी तो पता होना है पानी कितना है इसमें, पानी कितना है और दूध कितना है, तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम रेशियो मेंटेन करके निकालना है, एक भाग पानी है टोटल 10 भाग, तो 1/10 × 80 8 लीटर पानी है बाकी तो मिल्क है, तो 80 - 8 भी कर सकते हो या 9/10 × 80 भी कर सकते हो, तो 72 लीटर ऑफ आपको मिल जाएगा मिल्क, और पानी 8 था, 8+20 = 28 और 72 यानी रेशियो बनेगा 28:72। ठीक है माय फ्रेंड, ये है रेशियो का बेसिक कंसेप्ट, और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये जो टेक्निक है यहाँ पे और भी तरीका है करने के लिए, जैसा देखिए यहाँ पे एक भाग पानी है और 9 भाग मिल्क है, तो यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते थे, यानी एक भाग पानी और 9 भाग मिल्क टोटल मिलाकर कितना होगा, टोटल मिलाकर 10 भाग होगा, तो टोटल आपके लैंग्वेज में जो 10 है उनके लैंग्वेज में टोटल 80 है, तो आपके लैंग्वेज में जो 10 है उनके लैंग्वेज में 80 है, आपके लैंग्वेज में 1 है उनके लैंग्वेज में 8 है, यानी पानी जो है जो 1:9 था, यहाँ पे वाटर इज टू मिल्क क्या था 1:9 था, तो शॉर्टकट करने के लिए ये तरीका है, 1 का मतलब 8 आ गया ठीक है, और 9 का मतलब क्या होगा 8×9=72, तो ऐसे भी जल्दी जल्दी आप कर सकते हो मेरे दोस्त, 10 मतलब 80, टोटल 10 है दैट इज 80, 1 का मतलब 8 यानी 1 के नीचे 8 आ जाएगा और 9 के नीचे 72 आ जाएगा। क्लियर है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, आपको क्या लगता है कि आज गेट का रिस्पॉन्स शीट आने वाला है, स्वागतम, आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट, ओके लेट्स सी, गेट इज नॉट गोइंग टू डिले नहीं करेगा, डिले नहीं करेगा, विद इन 1 week यू शुड गेट, यू मस्ट गेट, ओके I have an enormous faith on gate management. बहुत अच्छा management है, ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करिए, बहुत ही interesting सवाल है, इस सवाल को करने की कोशिश करिए। सवाल आया था सेम CSIR NET जून 2021 यानी फरवरी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का सवाल, ठीक है ना। अब बुक हैज 40 pages and each page has X line. If the number of lines were reduced by 2 lines, 2 in each page, the number of pages would increase by 10 for the identical test. What is the value of x? समझ में आया? हाँ, समझ में आया। देखिए एक बुक है, किताब है, और किताब में मानिए एक नॉवेल है, तो जो नॉवेल है जितना वर्ड्स है जो लेखक ने लिखा वो ऑब्वियसली कम नहीं होगा, तो अगर आप पेज का साइज छोटा करोगे, हर पेज में कम लाइन लेने वाले हो, ऑब्वियसली बुक मोटा हो जाएगा, और ज्यादा लाइन लिखोगे तो बुक छोटा हो जाएगा, तो बस उसी के ऊपर एक सवाल है, करिए जल्दी जल्दी सवाल को करने की कोशिश करिए जी, जल्दी जल्दी सवाल को करने की कोशिश करिए। हाँ सिमरन, ऐसे शॉर्ट तरीके से करना बेस्ट है, तो मैं आपको हर चॉइस दिखा दूंगा, हर तरीका दिखा दूंगा, ठीक है। What should be the answer of this question? बस मैं आपको वादा करता हूं हर दिन यहां पे जो सवाल होगा अगर इसको लेकर भी आप मेहनत करते हो बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा,
ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होगा, क्योंकि ये सारे सवाल एग्जाम में आए हैं और एग्जाम बेस्ड सवाल है। तो आपको क्या करना है, मेहनत करना है, रेगुलर आना है, रेगुलर सॉल्व करना है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट दोज पीपल हु आर एबल टू सॉल्व दिस दे गेट द रिजल्ट। ओके, सिमरन जी बता रही है 10, लेट्स सी। अच्छा, इसमें ना बहुत चालाकी आप कर सकते हो, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बेहद बेहद अच्छे तरीके से चालाकी कर सकते हो। तो मैं देखना चाहता हूं वो चालाकी आज कौन करने वाले हैं। मौली मुखर्जी, सिमरन, यू पीपल से इट ऑप्शन टू। आकांक्षा राठी इज सेइंग ऑप्शन टू, गुड, लेट्स सी। सुबर्णा इज सेइंग ऑप्शन टू, सुबर्णा इज सेइंग ऑप्शन टू, सुबर्णा इज सेइंग ऑप्शन टू। Good, very good. But what about other people? I love active people. Okay, I need proactive people. I love proactive people. Manju Ganesh is saying two. Okay, you should be energetic. So tell me what should be the answer, each and every one of you. अगर नहीं हो रहा है तो वो भी बताइए, सर नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो बताइए, गलत आ रहा है तो वो बताइए, सब बताइए। My friend, a book has 40 pages. Each page has X line. If the number of lines were reduced by 2 in each page, the number of pages would increase by 10 for the identical text. What is the value of x? Right? What is the value of x? Let me silence my phone. What is the value of x? तो क्या किया जाए सर? सर देखो यार, टेक्स्ट क्या होता है? ये एक ऐसा किताब है, किताब का ये एक पन्ना है। इस पन्ने में ऐसे लाइंस होते हैं, ऐसे लाइंस होते हैं, बताया गया है ऐसे 40 पेजेस है और लाइंस जो है एक्स लाइंस है, ठीक है ना। तो बताया गया है 2 करके कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पेजेस 10 ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे इजी उपाय है ऑप्शन से करना। मुझे बताइए आप में से कौन कौन ऑप्शन से सोचना मेथड को अप्लाई कर चुके हो? आप में से किसके किसके दिमाग में ऑप्शन से सोचना मेथड आ चुके थे? मैं बार बार कहता हूं लेकिन फिर भी हमारे दोस्तों का हैबिट अभी तक चेंज नहीं हुआ। मैं बार बार कहता हूं मेरे दोस्त, एमसीक्यू पढ़ना यहां से शुरू करो लेकिन खत्म यहां पर नहीं, खत्म यहां पर करो। आप एक स्कूल में यहां तक पढ़ते थे और वो हैबिट निकाल नहीं रहा है। बताया गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑप्शन 1 में बताया 7, 2 ने बताया 10, 3 ने बताया 20 और 4 ने बताया 30। मौली मुखर्जी ने की, आकांक्षा ने की, बहुत अच्छी बात है। जो लोग ऑप्शन से नहीं किए हो, ट्राई टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, ये अपडेट आपके अंदर चाहिए, मैं देखना चाहता हूं। तो देखिए हाउ इट कैन सेव योर टाइम, लुक हियर, ऑप्शन नंबर 1 क्या बताया, 7। अब मानो एक्स का वैल्यू 7 है, हर पन्ने में 7 लाइन है, तो 40 पेजेस में टोटल लाइन कितना होगा, 40 × 7। नो नीड टू मल्टीप्लाई, ये क्लास 3 का एग्जाम नहीं है कि हर जगह पे 7 गुना ये क्या होता है लिखना पड़ेगा, बिल्कुल मत लिखिए, ठीक है। अब देखिए बताया गया है रिड्यूस बाय 2 करके, हर पेजेस में रिड्यूस बाय 2 होगा, तो हर पेजेस में कितना आ जाएगा, 2, सॉरी रिड्यूस बाय 2 अगर हो जाएगा तो हर पेज में कितना होगा, 7 थे, 7 से 2 कम होगा, 5 हो जाएगा, यस और नो, 7 से 2 कम होगा यानी 5 हो जाएगा। और अगर देख सकते हो आप नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस विल इंक्रीज बाय 10, तो 40 था 50 हो जाएगा। यार देखो ये तो इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ लाइन शुड बी ऑलवेज कॉन्स्टेंट, टेक्स्ट सेम है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन द लाइन ऑब्वियसली सेम है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड ओनली।
सो ये अगर आप देख सकते हो ऑब्वियसली द लाइन्स आर शुड बी एग्जैक्टली कॉन्स्टेंट, एग्जैक्टली सेम, राइट। सो 5 गुना 5 25, 4 गुना 7 28, इक्वल नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। 10 को लेकर देखिए, ऑप्शन टू 10, ऑप्शन टू अगर 10 को लेकर हम सोचेंगे तो इसका मतलब 10 होता है, हर पेजेस में 10 करके लाइंस है, मतलब 40 पेजेस में 40 गुना 10 लाइंस है। अगर 10 से कम होगा 2 तो 8 लाइन होगा और 40 की जगह पर 50 हो जाएगा। माय फ्रेंड 5 गुना 8 40 होता है, 4 गुना 1 4 होता है, यानी दोनों ही मल्टीप्लाई करके 400 आ जाएगा। प्रभाकर राव जी वेलकम, वार्म वेलकम टू यू एंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल इक्वालिटी आ रहा है, तो ऑप्शन टू इस करें। तो कितना इजी तरीके से ये सवाल हो सकता है जी, कितना इजी तरीके से ये सवाल हो सकता है, इस पे कोई दुविधा नहीं आया ना, बताइए कितना इजी तरीके से हो गया ना, यस और नो। वेरी गुड मॉर्निंग उमेश यादव जी, प्रभाकर राव जी वेलकम वेलकम। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हो कितना इजीली ये हो सकता है अगर आप ऑप्शन से सोचना मेथड अपनाओगे। यस, अच्छा इसके अलावा सर एक बार रिपीट कर दो सर, कोई बात नहीं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, बताया गया है 40 पेजेस है, हर एक में एक लाइन है, तो हमने क्या किया, x का वैल्यू पकड़ लिया, क्योंकि फाइनली बताया गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन में x का वैल्यू है, हमने पकड़ लिया हर पेजेस में 7 लाइन है, और हर पेजेस में अगर 7 लाइन होगा तो 40 पेजेस में 40 गुना 7 लाइन होगा। क्लियर है, देखिए 40 गुना 7 लाइन होगा। बताया गया है अगर हर पेज में 2 करके लाइन कम हो जाते हैं तो पेज नंबर 10 बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ लाइन सेम होना चाहिए, तो हर पेजेस में 7 की जगह पर 5 आ गया और पेज का नंबर 40 की जगह पर 50 हो गया 10 बढ़ के। तो देखो 5 गुना 5 25 होते हैं यानी 250 लाइंस, और 4 गुना 7 28 होता है यानी 280 लाइन। तो 280 और 250 सेम नहीं है मेरे दोस्त, तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर आप ऑप्शन टू 10 पकड़ लेते हो तो हर पेजेस में 10 लाइंस है, तो 10 × 40 पेजेस टोटल 400 लाइन होगा, और 10 से 2 कम यानी 8 अगर लाइन होगा तो 10 पेज ज्यादा यानी 50 पेज होगा। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको ऑप्शन से सोचना मतलब यू हैव टू बी शार्लक होम्स, आपको डिटेक्टिव बनना है, आपको गेस करना है कि इन चारों में से कोई एक तो मर्डरर है, क्रिमिनल है। हाउ टू डिटेक्ट, आई हैव क्लूज, दीज आर माई क्लूज, जस्ट वेरीफाई द क्लूज। ओके, नंबर सिस्टम में बहुत सारे सवालों में ये काम पे लगता है। तो प्लीज नोट दिस, ऑप्शन से सोचना मेथड इज अ सेवियर इन सीएसआईआर नेट, ऑप्शन से सोचना मेथड इज अ सेवियर इन सीएसआईआर नेट। वो समझा अभी मुझे, थैंक्स सर फॉर रिपीटिंग, श्योर श्योर। चलिए इस सवाल को करिए, जून 2021 फिर से यानी फरवरी 2000 जस्ट वन मिनट। इज इट विजिबल, क्या आप देख पा रहे हो जी, क्या आप देख पा रहे हो मुझे बताइए। Now is fine, बताइए। ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, यहां पर भी मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक आपके लिए सोचा, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि कोई भी ग्राफिकल सवाल में मीन निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, चलिए
बताइए। सिमरन जी कह रही है कि सर जीरो। सिमरन जी कह रही है जीरो। सिमरन जी कह रही है जीरो। आकांक्षा इज सेइंग ऑप्शन बी। आकांक्षा इज सेइंग ऑप्शन बी। सो दैट इज वेयर यू नीड दिस डिस्कशन। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई? आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर एक्सिस में जो वैल्यू है वो एक्स का वैल्यू है, और इस पर्टिकुलर एक्सिस में जो वैल्यू है वो वाई का वैल्यू है, और उनका जो ग्राफ आए हैं कुछ ऐसा आए हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, तो मीन क्या होगा वाई का। ये जो वाई का ग्राफ आपने देखा इसका मीन क्या आएगा, ये सवाल है। ठीक है, अच्छा मिष्टी जी, सिमरन जी, विवेक जी, आप लोग कह रहे हो वन। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहते हूं, जो भी लोग वन बता रहे हो आपने क्या सोचकर समझकर जवाब दिया? आपका जवाब का लॉजिक क्या है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई खास लॉजिक नहीं मिल रहा है आपको तो मुझे पूछना है, आपने क्या एग्जाम में भी ऐसे चीज किए हो? आप मतलब कभी कभार गेसिंग से आप जवाब देते हो, अगर ये आदत आपके पास है गेसिंग से जवाब देना, तो प्लीज और प्लीज मेक एन हैबिट कि CSIR नेट में ये हैबिट, ये जो आपका बुरा आदत है ये ना जाए, क्योंकि इसी कारण से पार्ट सी में लालच के वजह से हम लोग दो तीन सवाल कर देते हैं गेस करके, और वो बहुत ही महंगा पड़ता है। ठीक है ना, बहुत ही महंगा पड़ता है। तो प्लीज और प्लीज मुझे बताइएगा, ये अगर गेसिंग वाला हैबिट है मुझे लगता है, मुझे पता है ये अच्छा लगता है, बट प्रिपरेशन के टाइम से ही इससे दूर रही है, ये बहुत ही हार्मफुल है। प्लीज डू नॉट गेस अ लिटिल सिंगल थिंग फॉर यू माई फ्रेंड, प्लीज डू नॉट गेस एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ फॉर CSIR नेट। ठीक है, आपको लॉजिक से आ रहा है तो मुझे बताइए। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज योर लॉजिक। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज योर लॉजिक। एवरेज का मतलब क्या होता है जी? एवरेज का मतलब क्या होता है सर? मी 0 + 1 + 2 3/3 किया, क्यों जी मोली? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? आपने 0 + 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3 कर लिया, क्यों? व्हाट इज द लॉजिक? देखिए चलिए मैं आपको समझाता हूं ऐसे सवाल को कैसे करना है, समझने की कोशिश करिए। पहले तो ये ग्राफ ना लेकर कोई और एक ग्राफ मैं ले लेता, लेट से दिस इज द ग्राफ। मानिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मानिए वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है। लेट्स से वेलोसिटी इज ओवर देयर ऑन वाई एक्सिस एंड हियर इट इज टाइम। ठीक है ना, वेलोसिटी और स्पीड जो है मानिए एक पर्टिकुलर कर्व का वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे 1 ले लीजिए, ठीक है ना, आर्स के हिसाब से यहाँ पे 1 ले लीजिए किलोमीटर के हिसाब से, वन किलोमीटर पर आर ले लीजिए, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आर ले लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 आर ले लीजिए, 2 आर ले लीजिए। अब मुझे बताइए, मानिए एक पर्टिकुलर कार है वो ऐसा गया है, ठीक है, आप देख सकते हो जिसका स्पीड सिमेट्रिकली, जिसका स्पीड यहाँ से बढ़ते बढ़ते 2 घंटे तक गए, ठीक है ना, ये कार है। ठीक है, तो मुझे बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? देखिए सिंपल बात है, आप अगर नॉर्मली देखोगे, आप मानिए बाइक लेकर जा रहे हो, लेट्स से दिस इज अ मोटरसाइकिल, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स से दिस इज अ मोटरसाइकिल, आप मोटरसाइकिल लेकर ट्रेवल कर रहे हो, आप सिंपल बात है, आप जब यहाँ पे जर्नी शुरू करोगे स्टार्टिंग में 0 है, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगे, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है अप टू 1 आर, यहाँ पे देखिए 1 से कम था, उसके बाद 1 to 2 आर देखिए 1 से ज्यादा था, तो आप अल्टीमेटली कितना डिस्टेंस जाने वाले हो, इसका एवरेज स्पीड जो होगा सब मिलाकर उतना ही डिस्टेंस जाने वाले हो, क्योंकि कभी कभार 1.5 भी स्पीड था और कभी कभार 0.5 किलोमीटर पर आवर भी स्पीड था। तो आपको क्या करना है जी, आपको एक लाइन ढूंढना है जो सिमेट्रिकली इस कर्व को डिवाइड कर देते हैं।
आप देख सकते हो ये जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर जितना ज्यादा वैल्यू वाला वेलोसिटी है, इस लाइन के नीचे उतना ही कम वाला वेलोसिटी है। मतलब सर यहां में जितना कम वो पूरी करने के लिए, यहां में जितना ज्यादा वो हम नीचे ला सकते हैं। मतलब यहां पे अगर इसको नीचे लाओगे और यहां पे अगर इसको ऊपर करोगे तो सारे एवरेज आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्लीज मुझे बताइए। दैट मींस अ लाइन जो ग्राफ को सिमेट्रिकली डिवाइड कर देते हैं वो हमेशा मीन होगा। इतना शॉर्टकट। इसके ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी सवाल आया है सीएसआई नेट पे, और भी सवाल हम करेंगे, बस ये सीख लीजिए। ठीक है, एक लाइन जो ग्राफ को सिमेट्रिकली डिवाइड कर देगा, मतलब एक साइड में जितना ऊपर है बराबरी पे लेकर आएगा, वही तो है एवरेज ना। तो ये लाइन जो है यानी 1 किलोमीटर पर आवर, ये बन जाएगा इसका एवरेज स्पीड, क्योंकि वो बीच में से इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। अब आ जाइए इस सवाल के ऊपर। इस सवाल में ग्राफ क्या है, क्या ये क्लियर हुआ जी? इज इट क्लियर? प्लीज यस बता दीजिए। अगर क्लियर है बेहतरीन तरीके से यस बता दीजिए। अगर ये क्लियर है मेरे दोस्त, तो अगर ये क्लियर है बेहतरीन तरीके से यस बता दीजिएगा और घर पे इसके बारे में सोचिएगा। वेरी गुड, यहां पे आ जाइए। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखिए, एक्स माइनस वन पे प्लस वन में वैल्यू गया है। यू नो नीड टू थिंक अबाउट द वैल्यूज ऑफ एक्स, यू नीड टू ओनली थिंक अबाउट द वैल्यूज ऑफ वाई। वाई सो सर? Because they are saying you need to find out the average value of y. So y का वैल्यू क्या है? यहां पे देखिए, यहां से गया है, ये 2 है, ये 1 है। इस दौरान बीच में क्या है? 1.5 है। तो अगर सर हम इमेजिन करेंगे यहां पे एक लाइन गया है, तो देखो सर यहां पे जितना ऊपर है यहां पे उतना नीचे है, यहां पे जितना नीचे है वहां पे उतना ऊपर है। मतलब ये लाइन जो है बराबरी का लाइन है, ये एवरेज को बैलेंस आउट कर देते हैं। यानी कि अगर किसी ने आपको पूछा इसका एवरेज क्या होगा, 1.5 हो जाएगा मेरे दोस्त। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज मुझे बताइए इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा मेरे दोस्त। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, अब मानिए इसी सवाल में ओनली राइट साइड के लिए अगर कोई पूछेगा, मानिए अगर ओनली राइट साइड वाला पिक्चर आपको दिया गया है, ऐसा पिक्चर, ओनली राइट साइड वाला पिक्चर आपको दिया गया है मेरे दोस्त, ये 1 है, ये 2 है, यहां पे डॉटेड लाइन है, और आपको यहां पे बताया गया है ये x है, 0 है, x 1 है, ठीक है ना, और आपको ये पिक्चर दिया गया है, ये एक्स है, ये वाई है। मुझे बताइए अगर किसी ने आपको पूछा ये पिक्चर दिया गया है और एवरेज ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, मुझे बताइए एवरेज ऑफ एक्स क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा एवरेज ऑफ एक्स क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अभी जैसे आपने एवरेज ऑफ वाई निकाला, कैसे, वाई का जो ग्राफ था उसको बीच में से काट दिया, उसको पेट में से काट दिया। अगर इसी सवाल में किसी ने आपको पूछा नीचे एक्स है और इस तरफ वाई है, ठीक है, किसी ने आपको पूछ लिया कि इसका एवरेज क्या होगा मेरे दोस्त, बताओ एक्स का एवरेज क्या होगा, सोच समझ कर बताइएगा। ये 1 है, ये वाई का वैल्यू है, इस एक्सिस में वाई का वैल्यू है, ये जो वैल्यूज है वाई का है, ये जो वैल्यूज है एक्स का है, ये ग्राफ है एक्स का, ठीक है, प्लीज मुझे बताइए क्या हो जाएगा। वेरी वेरी गुड मोली, वेरी वेरी गुड प्रभाकर, वेरी वेरी गुड आकांक्षा। देखिए अभी तक जिसको जवाब नहीं आ रहा है मतलब आपके लिए क्लियर नहीं है मेरे दोस्त, प्लीज और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यार, अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ करते हो, ये वाई है और ये एक्स है, और ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ये वाई के ग्राफ है, लेकिन इसी को अगर उल्टा कर दोगे, मानो इसको ऐसे घुमा दिया, तो वाई नीचे आ जाएगा, एक्स ऊपर आ जाएगा, और ग्राफ कैसा था मेरे दोस्त, ग्राफ ऐसा था, तो ये बन जाएगा एक्स का ग्राफ। मतलब अगर एक्स का ग्राफ देखना है तो आपको यहां पे खड़ा होना पड़ेगा। प्लीज और प्लीज मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। आप ऑब्जर्वर यहां से बनोगे, अगर एक्स का ग्राफ देखना है आप यहां पे खड़े हो जाओ वाई एक्सिस के ऊपर, वहां से देखो एक्स का ग्राफ क्या है, तो एक्स का ग्राफ क्या है, ये वाला। तो एक्स का एवरेज निकालना है, मतलब देखना है इस ग्राफ को कौन सी लाइन सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, 0.5 वाला लाइन इस लाइन को सिमेट्रिकली डिवाइड कर देते हैं, जितना ऊपर उतना नीचे। सो माय फ्रेंड, एवरेज ऑफ दिस शुड बी 0.5। दिस इज अ ब्यूटिफुल आइडिया माय फ्रेंड, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेनी टाइम्स इन सीएसआई।
So please try to understand. In this aptitude section, you are going to learn so many things which you have not learned up to masters. जैसे मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मीन मीडियन मोड डिस्पर्शन स्टैंडर्ड डिविएशन डाइवर्शन सब सबके बारे में पढ़ाई किया हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन. बट व्हेन आई हैव कम टू द एप्टीट्यूड पार्ट, जब सवाल आए हैं बहुत ही यूनिक है. बताया गया है एक जगह पे लेट से 100 ट्री है और बगल वाला जंगल में 200 ट्री है. बस इतना ही इंफॉर्मेशन है. बताया गया है उनका उम्र सेम है, ज्योग्राफिकल कंडीशन सेम है. आपको पूछा गया है बस एक चीज कि क्या दोनों का मीन नियरली इक्वल हो सकता है, क्या दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन नियरली इक्वल होगा या दूर दूर पे होगा. मतलब कोई भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. तो ये क्या होता है, यूके में यूएस में बहुत सारे स्कूल से ही ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस किया जाते हैं. आप मास्टर्स तक भी ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं किए हो, इसी कारण पे आके एग्जाम देने के लिए दिक्कत होता है. अदरवाइज आप सोचिए ना, After studying from Indian University, Indian government का एक exam है CSI NET. Why we are not able to solve crack it at the first time? Because masters तक जो पढ़ाया जा रहा है, syllabus तो same है, लेकिन जो question पूछा जा रहा है और NET का question जो पूछा जा रहा है, उसमें फर्क है. Analytical thoughts आ रहा है, right? तो समझ में आ जाइए. Yes sir, means हाँ, मास्टर में करते तो थे लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड थे जो आपको बिल्कुल भी. देखिए आप मास्टर्स पास आउट होके आए हो, एक मीन का सवाल आया है और आपको लग रहा है ये तो कभी नहीं देखा मैं जिंदगी में, ऐसा क्यों होना चाहिए. समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू राइट सिमरन. सो दिस इज द थिंग. एनी वे वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू थिंक एनालिटिकली, जो आपको पार्ट सी में भी बेहद हेल्प करेगा. My friend, this question is sorted. I believe it is a very good question. Learning is complete. So average of X should be 0.5. ठीक है? बहुत सारे सवाल आए हैं. एक stats में सवाल आए थे कि These are two data. आप देख सकते हो दोनों लाइन है O1 and 2. बताया गया है क्या ये दो डेटा में दो लाइन्स का मीन नियरली इक्वल होगा, मीन नियरली इक्वल. CSI NET एप्टीट्यूड का सवाल है. वेरियंस वन ग्रेटर देन वेरियंस टू. वेरियंस नियरली इक्वल. मुझे बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हिच इज ट्रू एंड व्हिच इज फॉल्स. टेल मी व्हिच इज ट्रू एंड व्हिच इज फॉल्स. जल्दी से बताइए, टेल मी व्हिच इज ट्रू एंड व्हिच इज फॉल्स. अभी जो जो सीखा है आपको उसमें से ही हो जाना चाहिए. जल्दी से बताइए सर. वन क्वेश्चन, पीएचडी बिना कोर्स वर्क के नहीं होती है, प्लीज बताइए. पीएचडी बिना कोर्स वर्क से नहीं होती अगर अच्छे यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, और कभी कभार हो भी जाते हैं. डिपेंड्स ऑन कि आपका रिसर्च कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप काम कर चुके हो कि नहीं, आप प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जा रहे हो कि नहीं. अगर आप प्रोजेक्ट में पीएचडी करते हो कभी कभार कोर्स वर्क नहीं होता है. प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में थ्रू एग्जाम क्रैक करके अगर आप जाते हो, सो देयर विल बी ऑब्वियसली अ कोर्स वर्क. मेनली इन इंडियन इंस्टीट्यूट दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द कोर्स वर्क. ओके सो प्लीज टेल मी. एंड कोर्स वर्क में आप मास्टर्स में जो पढ़ के गए हो वही पढ़ोगे फिर से सब मिलाकर.
कोर्स वर्क होता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में क्यों होगा? कोर्स वर्क में जो होगा अब डिपेंड्स ऑन ना, देख मानी मैं इंडियन इंस्टीट्यूट के बारे में कहता हूँ, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अगर आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में PhD एंट्रेंस देकर वहां पे जाते हो या कोई भी IITs में जाते हो, तो पहले 1 साल आपको कोर्स वर्क कराया जाएगा। कोर्स वर्क में वो तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा, उसका मार्क्स रहेगा जो आपका MSc में पढ़ाए जाते थे, और उस मार्क्स के ऊपर विचार करके आपको गाइड सिलेक्ट करना होगा। वहां पे बहुत सारे बेस्ट टीचर्स होते हैं, तो 1 साल आपको ऑब्जर्व किया जाएगा ये कैसा स्टूडेंट है, इसका मोटिवेशन मतलब किस तरफ इनका इंक्लिनेशन है, कौन सी सब्जेक्ट में ये अच्छा है, जिसमें रिसर्च करेगा तो कुछ खास हो सकता है, तो उनको उस टीचर को दिया जाएगा। देन बात आ जाता है वो टीचर आपको पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ऐसे चीजें होते हैं। तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, एक PhD गाइड आपको मिलता है, राइट? तो मुझे बताइए जल्दी जल्दी यहाँ पे क्या होगा, मीन नियरली इक्वल, वेरियंस 1 ग्रेटर देन वेरियंस 2, वेरियंस नियरली इक्वल, व्हिच इज ट्रू एंड व्हिच इज फॉल्स, व्हिच इज ट्रू एंड व्हिच इज फॉल्स, दिस इज द क्वेश्चन माई फ्रेंड, दिस इज द क्वेश्चन माई फ्रेंड, दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज द क्वेश्चन, जल्दी बताइए व्हिच इज ट्रू एंड व्हिच इज फॉल्स। सर वेरियंस नियरली इक्वल पूजा जी ने कही, लग रहा है आपको वेरियंस नियरली इक्वल, इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग को थोड़ा मीनिंग डीपली पता होना चाहिए। फिर तो खैर छोड़िए, मैं स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पूछा, वेरियंस ही बताइए। ऑप्शन 2 इज ट्रू, दैट इज वेरियंस 1 ग्रेटर देन वेरियंस 2। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मीन, मीन के बारे में पहले बताइए, मीन नियरली इक्वल होगा कि नहीं होगा? उमेश यादव जी कह रहे हैं ऑप्शन 2। देखिए सिंपल बात है, आपको मैं आपको कह दूं, मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ढूंढना पड़ेगा जो सिमेट्रिकली इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो ये जो व्हाइट लाइन है ये ब्लू लाइन का मीन वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये ब्लू लाइन लेते हो लेट्स इस व्हाइट लाइन का, तो व्हाइट लाइन का भी देखिए यहाँ पे ही एक लाइन जाएगा जो सिमेट्रिकली इसको डिवाइड कर देगा, तो दोनों का मीन बहुत ही करीब है, एक के ऊपर और एक कोइंसाइड कर रहा है करीब करीब, तो आप देख सकते हो दोनों का मीन नियरली इक्वल होगा जस्ट बाय ड्रॉइंग अ पिक्चर, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। सो मीन नियरली इक्वल, दिस इज ट्रू। वेरिएंस क्या होता है? कुछ नहीं, देखो रेंज देखो, ये यहां से लेकर यहां तक गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है? तो जो चीज ज्यादा वेरी करेगा उसका वेरियंस ज्यादा होगा, सिंपल बात। जो चीज का रेंज कम है, यहां से यहां पे खत्म हो गया, वेरी बहुत कम किया, तो वेरी अगर कम करेगा तो उसका वेरियंस कम होगा, तो वेरियंस 1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन वेरियंस 2 होगा, ये ट्रू होगा। वेरियंस नियरली इक्वल बिल्कुल नहीं, दिस इज फॉल्स। सो दैट इज हाउ यू शुड सॉल्व द क्वेश्चन। एनीवे लेट्स मूव ऑन, लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर द अदर क्वेश्चन टुडे फॉर यू। वेरी गुड आकांक्षा, बहुत अच्छा, चलिए करिए इस सवाल को। ब्रिलियंट क्वेश्चन एंड बहुत अच्छा शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत अच्छा शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूं। बताइए, पहले आप सॉल्व करिए फिर मैं बताऊंगा। फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व, देन आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व, देन आई एम गोइंग टू टेल यू। मिष्टी सेइंग 48, क्या बात मिष्टी, आप कहां से हो और आपका सब्जेक्ट क्या है? मिष्टी आप कहां से हो और आपका सब्जेक्ट क्या है बताइएगा जरूर। मिष्टी आप कहां से हो और आपका सब्जेक्ट क्या है? मिष्टी, यस, एनीबडी एल्स, एनी आंसर फ्रॉम एनीबडी एल्स? सर मैं वाराणसी से हूं, लाइफ साइंस सब्जेक्ट है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सिमरन जी सेइंग ऑप्शन 4, शुलोगना इज सेइंग ऑप्शन 4, भूमिका सिंह इज सेइंग ऑप्शन 4, ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छी बात है जी, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आकांक्षा इज सेइंग ऑप्शन 4, आकांक्षा व्हाई यू आर टेकिंग टाइम? सब ठीक है, इज एवरीथिंग ऑल राइट? तबीयत ठीक है सबका? बताइए यहां पे देखिए,
अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इन ए कॉलेज एडमिशन वेर एप्लीकेंट्स हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट, वन फोर्थ ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, वन सिक्स्थ फॉर केमिस्ट्री, वन बाई एट फॉर फिजिक्स, वन बाई ट्वेल्व फॉर मैथ्स. 18 applicants did not opt for any of the above four subject. How many applicants were there? First of all, you used to solve these questions using x. How many applicants were there? आप स्कूल लाइफ में पकड़ लेते थे. Let x applicants are there. Then fraction को use करके आप equations बनाते थे कि x में से 1/4 opted for biology. मतलब x by 4 चला गया. Chemistry में x by 6. फिजिक्स में x by 8 एंड मैथ्स में x by 18, x by 12. That is the total number plus 18. That should be equal the total that is x. ऐसे आप इक्वेशन बनाते थे. कैसे इक्वेशन बनाते थे कि x by 4 plus x by 6 plus x by 8 plus x by 12. बाकी 18 कैंडिडेट हैं जो किसी भी जगह पे नहीं एडमिशन मिले हैं. That should be equal total number x. और उसके बाद उस equation को solve करते थे. लेकिन आज मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा. किसी को दिक्कत है equation solve करना, please मुझे बताइएगा. end में मैं दिखा रहा. लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो बहुत interesting है, वो सीख लीजिए पहले. देखिए, हमको समझना है fraction का मतलब. यहाँ पे अच्छा दूसरा उपाय क्या हो सकता है? ऑप्शन से सोचना. तो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ. ये मेथड वन है. मेथड टू है, आप ऑप्शन से सोच सकते हो. ठीक है, ऑप्शन से सोच सकते हो मेरे दोस्त. बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप ऑप्शन से सोचते हो. मिस्टी, क्या आपने ऑप्शन से सोचा? मिस्टी, क्या आपने ऑप्शन से किया? सर शुलोगना कह रही है, बहुत अच्छी बात है. मिस्टी ने एलसीएम से किया. क्या बात है मिस्टी, आपका तो मैथ बहुत स्ट्रांग है. फिर मिस्टी आपका पूरा नाम बताइएगा. ठीक है, व्हाट इज योर रियल नेम? टेल मी द पूरा नाम. ठीक है, ऑप्शन से सोचना क्या है? देखिए बताया गया है 1/4, 1/6, 1/8, 1/12. अब देखिए जब फ्रैक्शन लेते हो, ऑब्वियसली कभी भी 22.5 स्टूडेंट्स मैथ लेकर पढ़ नहीं सकता. अब देखो 1/4 ऑफ 22, 1/4 ऑफ 22 क्या होगा? जो भी होगा डेसिमल में होगा. 4/5 आर 20, देन 0.45 आर 5.5. इज इट पॉसिबल दैट 5.5 एप्लीकेंट्स मैथ लेकर पढ़ रही है? नहीं पॉसिबल. दैट मींस यहां पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता. तो जो भी ऑप्शन होगा वो 4, 6, 8 और 12 से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, 24 लेकर देखिए. 24 4 से डिविजिबल होता है, 6 से होता है, 8 से होता है, 12 से भी होता है. तो अगर आप 24 लेकर करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है. प्लीज आप घर पे सोचिए इसके बारे में, नहीं तो बहुत टाइम जाया होगा. 24 लेकर अगर करोगे आप, देखिए क्या होता है. 6 स्टूडेंट चला गया मैथ में, 1/6 केमिस्ट्री में, 4 स्टूडेंट चला गया केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 3 और 2 इसमें. तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, प्लस 5 प्लस 2 15. तो 15 स्टूडेंट चला गया. बाकी कितना है? 24 माइनस 15 9 स्टूडेंट. लेकिन यहाँ पे बताया 18 एप्लीकेंट्स. सो मैच नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा. 36 भी नहीं हो सकता, 8 से डिविजिबल नहीं है. तो ओनली ऑप्शन 48 बचेगा, वो जवाब हो जाएगा. सो दिस इज योर मिस्टी सिंह. ओके ग्रेट, दिस इज द वे ऑफ डूइंग ऑप्शन से सोचना मेथड. बट द बेस्ट वे व्हिच आई विल एम्फसाइज ऑन, प्लीज ट्राई टू लर्न इट, हाउ टू सॉल्व इट यूजिंग अ ब्यूटिफुल मेथड. जैसे मिस्टी ने कही, मिस्टी ने करी, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूं. देखिए सिंपल बात है सर, आप देख सकते हो 4, 6, 8 और 12, ऐसा कौन सी नंबर है जो ये चारों से डिविजिबल हो सकता है? क्योंकि आप अगर टोटल उसको पकड़ लेते हो तो हमेशा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें जो नंबर आएगा वो होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगा. राइट, क्या किया जाए? आप एक काम करिए, 4, 6, 8 और 12 टोटल जो है इसका एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम क्या होगा? 2, 2 जा 4, 3, 4, 6. आप क्या किया जाए, दो ले लीजिए, 2 1 2 3. अब क्या किया जाए, तीन ले लीजिए. एलसीएम लेने का फंडा ये है, मिनिमम दो में से भी कम जाता है तो आप लेते रहो. ठीक है ना, तो 3 1 3 2. और कोई जाता है? देखो वन के अलावा कुछ कम नहीं जाता है तो छोड़िए. तो एलसीएम क्या होगा? इन सारे चीज का मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दैट? सो दैट विल बी
सो एलसीएम आपने क्या ले लिया, 24 ले लिया। तो आप मान लीजिए टोटल जो है वो 24 है। बहुत ध्यान देकर समझोगे आप, क्योंकि बहुत सारे सवालों में क्यों हम इसमें एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि इस टेक्निक को अगर आप सीखोगे सीएसआईनेट का, बहुत ऐसे सवाल में आप इस टेक्निक को अपना सकते हो, इट्स अ मेथड। ओके, सो टोटल क्या बन गया, 24। अब देखो मैथ्स में कितना होगा, बहुत इजी काम है। मैथ्स में बताया गया था 1/4, तो मैथ्स में 1/4 मैं एक बार लिख लेता हूं, सॉरी बायो में, सॉरी बायो में कितना बताया गया है, 1/4। उसके बाद बताया गया है कि 1/6 फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 1/6। उसके बाद क्या बताया गया है, 1/8 फिजिक्स, फिजिक्स में कितना है, 1/8। और उसके बाद क्या बताया गया है मैथ्स में कितना है, 1/12। अब देखो अगर टोटल आपके पास 24 है, टोटल आपके पास 24 है, तो बायो में कितना होगा, 1/4 ऑफ 24, 6 स्टूडेंट। केमिस्ट्री में कितना होगा, ये सब लिखने का काम नहीं है, बस देखकर ही शॉर्टकट तरीके से लिख देना है, बस मैं आपको लिखा रहा हूं समझाने के लिए, 4। फिजिक्स में कितना है, 3। मैथ्स में कितना है, 2। तो टोटल कितना हो गया, 6 + 4 + 3 + 2, अगर आप करोगे 15 हो गया। तो बाकी कितना है, 24 - 15, बाकी आपके लैंग्वेज में 9 है। माई फ्रेंड ये आपका लैंग्वेज है, क्योंकि आपने टोटल को 24 पकड़ लिया। टोटल क्या है किसी को नहीं पता, वही तो निकालना है, लेकिन आपके लैंग्वेज में टोटल 24 है। जैसा इंडियन करेंसी और यूएस करेंसी, दोनों ही करेंसी है, एक डॉलर है और एक रुपीस है, और एक डॉलर का वैल्यू कुछ रुपीस में कन्वर्शन रेट आता है, वैसे ही आपका टोटल 24 आपने पकड़ा, उसी कारण पे रिमेनिंग आपका 9 आ गया। आपके लैंग्वेज में रिमेनिंग 9 है, उनके लैंग्वेज में रिमेनिंग 18 है, तो दोनों इक्विवेलेंट है। जैसा एक रुपीस, एक डॉलर इक्वल टू दैट मच रुपीस, तो दोनों इक्विवेलेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे बताइएगा। यहाँ पे बताया गया 18 applicants did not offer any of the above 4 subject. आपके लैंग्वेज में 9 applicants did not offer any of the above subject. जो आपके लैंग्वेज में 9 है वो उनके लैंग्वेज में 18 है, जो आपके लैंग्वेज में 1 है वो उनके लैंग्वेज में 2 है, जो आपके लैंग्वेज में कितना चाहिए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल कितना है। तो जो आपके लैंग्वेज में 24 है उनके लैंग्वेज में 48 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 48। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 48। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ प्लीज मुझे बताइएगा। ये मेथड सीखना बहुत ही जरूरी है, ये मेथड सीखना हद से ज्यादा जरूरी है, प्लीज मुझे बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड यूजिंग द एलसीएम, यूजिंग द आइडिया ऑफ फ्रैक्शन, टेकिंग द एलसीएम एंड कन्वर्शन। आई कॉल इट कि करेंसी, इंडियन करेंसी, यूएस करेंसी, कन्वर्शन थिंग। ओके, यूनिटरी मेथड यूज करके ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज और प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिएगा, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी न्यू मेथड, सो यू नीड टू अडॉप्ट इट। वंस यू अडॉप्ट इट, मेनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन गेट हेल्प। सो यस माई फ्रेंड सिमरन बताइए। ओके चलिए, तो यहाँ पे देखिए, थैंक यू सो मच अभी तक जो भी हुआ है, इसके बाद भी और सवाल है, मैं बहुत सारे सवाल लेकर आ रहा हूँ आजकल, ठीक है। थोड़ा थकान महसूस हो सकता है, बट बहुत सारे लर्निंग भी होगा। आप लोग बताइएगा कि लेंथ सही रह रहा है, या एक घंटे के अंदर ही सेशन करूं, कितना सवाल आपको करवाऊं, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारे इंफॉर्मेशन मैं आपके पास दे रहा हूं, तो प्लीज मुझे बताइएगा। अच्छा ये बात देख लीजिए, सीयूईटी पीजी पार्ट ए भी हो रहा है, तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी जूनियर्स है उनको बताइए, सीयूईटी पीजी पार्ट ए, सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जो बीएचयू मानिए, आप लोग तो बहुत सारे बनारस से भी हो, लेंथ सही है सर, बहुत बढ़िया है। तो देखिए सीयूईटी पीजी जो है, सीयूईटी पीजी एक ऐसा एग्जाम है जो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशंस होते हैं। मानिए बीएचयू में कोई मास्टर्स करना चाहते हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई मास्टर करना चाहते हैं, नाउ वी हैव अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसका पार्ट ए में ना 25 क्वेश्चंस होता है, ऐसे वैसे नहीं, 25 क्वेश्चंस, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई जाते हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मार्क्स चाहिए आपको 90%, बहुत अच्छे कट ऑफ जाते हैं। ऐसे नहीं कि मानिए सीएसआईनेट का पार्ट बी, सीएसआईनेट का पार्ट बी जैसा सवाल आते हैं, एनालिटिकल तो होता नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करना उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, राइट, गलती का चांस बहुत कम होता है, इसीलिए कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। और पार्ट ए में ये जो 25 क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यहाँ पे 75 क्वेश्चन में तो अच्छा स्कोर कर ही रहा है बच्चा, यहाँ पर भी बेशक बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इसका कोई सोर्स नहीं है क्योंकि नई एग्जाम है, इसीलिए ना तो कोई बुक है ना कोई किच कुछ है। तो इसीलिए अगर कोई पार्टी के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप देखिए 1 month, 3 months और 6 months वैलिडिटी है। जून का फर्स्ट वीक में एग्जाम है, तो ये बैच मंडे से शुरू हो रहा है, 20th फेब, 20th फेब से शुरू हो रहा है। मैं पढ़ाऊंगा, दिनेश सर पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, दीपके सर पढ़ाएंगे। 20th फेब से शुरू हो रहा है, सुबह 8 से 10, 8 AM to 10 AM। यहाँ पे हम लोग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आते हैं यहाँ पे बेशक बहुत अच्छे तरीके से, रेशियो प्रोपोर्शन स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड सब कुछ है, बहुत सारे सवाल आते हैं। और उसके अलावा आते हैं इंग्लिश का सवाल है, उसके अलावा आते हैं जनरल अवेयरनेस का सवाल है। तो सब मिलाकर, कुल मिलाकर अच्छा खासा एक सिलेबस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है, सारी चीज़ पढ़ाई होगा, ठीक है। ये सुबह 8 से 10। एनीवे ये बता दीजिएगा आपका दोस्त को, जो भी पढ़ने के लिए इच्छुक है वो एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सिमरन सर आप ऐसे समझाया करें, पहले क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें फिर हमसे सॉल्व कराए, ये बेस्ट होगा सर, देन हमें पता चलेगा कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। हाँ मुझे पता है सिमरन, अभी क्या है ना, देखिए एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ऐसा है, उनका बैकग्राउंड नॉलेज हम लोग को पता नहीं होता है, ऐसा नहीं है, हम लोग को सोचना आना चाहिए। और सोचना क्या है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सिमरन कि मैं आपको थियोरी पढ़ाऊँ फिर एप्टीट्यूड क्वेश्चन आपको हमेशा आएगा। बचपन से रेशियो के बारे में आपको पता है, बचपन से फ्रैक्शन के बारे में पता है, इक्वेशन करना आता है, फिर भी एप्टीट्यूड में क्वेश्चन में ऐसे घुमाया जाता है कि ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो बेस्ट उपाय क्या है, जैसे रेगुलर आप क्लास कर रहे हो, रेगुलर सीख रहे हो, वैसा ही करते जाओ। आज नहीं आ रहा है, 2 दिन बाद आएगा, एक दिन में तो नहीं होता है ना सिमरन, हमेशा मैं सवाल देकर आपके लिए छोड़ दूंगा, तब ट्राई करो। और यही ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मेरा पुराना स्टूडेंट है उनसे सुनिए, व्हाट डू यू थिंक आकांक्षा, वो नहीं सर, मींस कि उस टाइप के क्वेश्चन, कोई टाइप ही नहीं है सिमरन जी, कोई टाइप नहीं है, ये समझो आप, स्कूल का वो दिन गया, वो प्यारा दिन गया, नो टाइप, ओनली यू, आपका सोच, देयर इज नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब कोई भी कॉमन क्वेश्चन आएगा ये आशा छोड़ दीजिए, आपको खुद सोच कर करना पड़ेगा एप्टीट्यूड में, इट्स एन एनालिटिकल पोर्शन, यू आर नॉट गोइंग टू गेट कॉमन टाइप ऑफ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ओके। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सीएसआई नेट का जो स्ट्रक्चर है ना, सीएसआई नेट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो 3 पोर्शन में होता है मेरे जी। पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, पार्ट सी होता है। पार्ट सी होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो यही पैटर्न है। सीएसआई नेट कहते हैं ये एनालिटिकल होगा, अगर आप देखोगे सीएसआई का वेबसाइट में जाके ब्रोशर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। सीएसआई कहते हैं कि हम लोग ये एनालिटिकल पोर्शंस रखेंगे, ये एनालिटिकल पोर्शंस रखेंगे और ये मेमोरी बेस्ड करेंगे, जहां पे अंडर ग्रेजुएट वाला स्टूडेंट बीएससी अंडर ग्रेजुएशन से भी सवाल आते हैं। अगर आप एमएससी एंट्रेंस देते हो, तो इस लेवल को बरकरार रखा जाते हैं, समझ में आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मोलू मुखर्जी कह रहा है कि सर मेरा क्वेश्चन देखिए, मैं देखता हूं, आप ये बात सुनिए, मैं आपका सवाल देखता हूं क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं सकता हूं मैं। मोलू मुखर्जी क्या सवाल है मोली, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दीजिए आपका, मैं सवाल देख नहीं पा रहा, ठीक है, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दीजिए प्लीज, ठीक है ना सर। मेरा मैथ बहुत वीक है, जनरल एप्टीट्यूड से डर लगता है जी, मैथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पूजा। अगर आपका एप्टीट्यूड में मुश्किल है तो आपको पार्ट सी में भी मुश्किल होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट रिमेंबरिंग फॉर्मूला। आप यहाँ पे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पूछ सकते हो, कल ही गेट एग्जाम देकर आए हैं, गेट एग्जाम में फिर भी आपको थोड़ा बहुत
जो प्रोसेस है, जो इक्वेशन सॉल्विंग है, ये सब लग जाते हैं। सीएसआईआर ने टोटली एनालिटिकल क्वेश्चंस करते हैं, जहां पे चालाकी से काम चलेगा और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम चलेगा, आपका ऑब्जर्वेशनल स्किल से काम चलेगा। सीएसआईआर नेट कहते हैं हम लोग रिसर्चर ढूंढने निकले हैं, वी नीड अ गुड रिसर्चर। और रिसर्चर मींस थिंकर, जो सोच सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना, जो सोच सकते हैं। इसीलिए सीएसआईआर नेट का सवाल इतना यूनिक होते हैं। अगर आप देखोगे गेट का सवाल एनालिटिकल तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट का जो सवाल आते हैं ना, मोस्टली थोड़ा कैलकुलेटिव आते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल्स होते हैं, लेकिन एनालिटिकल इतना सवाल सिर्फ सीएसआईआर नेट पूछते हैं। तो आपको एक ही चीज प्रैक्टिस करना है सीएसआईआर नेट के लिए, एनालिटिकल सवाल करने की आदत, ठीक है ना। तो पार्ट सी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कमन आ जाएगा, आपको कंसेप्ट पढ़ना है पीवाईक्यू के माध्यम से, उस बैकग्राउंड वाला कंसेप्ट के ऊपर कोई भी सवाल अगर आ जाए तो उसको करना आना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट सी में कहाँ पे होता है मेरे दोस्त, अगर ए बी सी डी चारों ऑप्शन है ना, आप हमेशा जितना भी पढ़ के जाओ, आप ऐसा सिचुएशन हर सीएसआईआर नेट में होता है कि आपको लगता है ए और सी में कंफ्यूजन हो रहा है। और ये क्यों होता है, क्योंकि बुक से हम कंसेप्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट के बीच में फर्क क्या है वो नहीं पढ़ते हैं। आपके टीचर्स यहाँ पे जब पढ़ाते हैं ए बी सी डी चारों ऑप्शंस को लेकर समझाते हैं, लेकिन आप घर में जब पढ़ते हो आप एक ही ऑप्शन को मार्क करके नेक्स्ट पीवाईक्यू में चले जाते हो। तो ये छोटे छोटे चीज आप मेंटेन करिए, चार ऑप्शंस के बारे में विचार करिए, सोचिए, वक्त दीजिए, 2 मिनट में एक पीवाईक्यू करना है किसी ने नहीं कहा, ठीक है, सोचिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको एमएससी एंट्रेंस का कोई भी एग्जाम देना है, मानिए आईआईटी जैम, मानिए इफ यू थिंक अबाउट द यू नो एनी काइंड ऑफ एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, सो दिस विल बी मोस्टली मेमोरी बेस्ड। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आप अभी भी स्टूडेंट हो, रिसर्चर नहीं बनने वाले हो, तो आपको एनालिटिकल सवाल नहीं दिया जाते। एनीवे बताइए, मैं तो कहता हूं मैथ जरूरत ही नहीं है। जो भी आप सोच रहे हो कि मैथ का जरूरत बहुत ज्यादा है, बिल्कुल नहीं है, समझाऊंगा, इस सवाल से प्रूफ कर दूंगा। ये सवाल एक सवाल है जो एनपी सीएसआईआर नेट में आया है 2014 में, इसमें मैथ करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, एक कॉमन सेंस है जो सबके अंदर है, ठीक है, प्लीज और प्लीज ट्राई। बस आपको मुझे वादा करना पड़ेगा कि आप मेहनत करोगे, ट्राई करोगे और मेरा हर एक सेशन में आओगे, फिर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपका थॉट्स को कैसे कॉम्प्लेक्स बनाना है, कैसे डीप थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करना होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, ठीक है। यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग। अभी आप देखोगे आईआईएम में इसके ऊपर कोर्सेज भी होते हैं। यू नीड डीप डिजाइन, मतलब डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग मतलब एक तरीके से सोचना ताकि आपका आंसर आए। आप लोग एमएससी करके तो बहुत नॉलेजेबल हो, बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके आए हो, बहुत सारे टॉपर्स भी हैं, फिर भी सीएसआईआर नेट क्वालिफाई नहीं होता है। क्यों? क्यों आप उल्टा दिक में सोचते हो, डायरेक्शन लेस तरीके से सोच लेते हो। तो कैसे तरीके से सोचना है, ये भी डायरेक्टेड थिंकिंग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल को करिए, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन एन इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, एन प्लस फाइव, एन प्लस सिक्स इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड जेनिफर, वेरी गुड सिमरन, बस सोचो, ठीक है, बस सोचो, सोचो एंड सोचो। बताया गया है एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन क्या होगा। अब देखिए कितना सिंपल सवाल है मेरे दोस्त। क्यों सर? सर बताया गया है एन एक पॉजिटिव इंटीजर। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि सर मैथ मुझे नहीं आता है, बिल्कुल गलत सोच है। आपको मैथ आना भी नहीं चाहिए और मैथ सबको आता है, फिलहाल मुझे अगर पूछोगे सबको मैथ आता है, ये गलत फहमी है आपका।
एन पॉजिटिव इंटीजर है, बस आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। सर इंटीजर इनको कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इनमें अगर पॉजिटिव इंटीजर बताया गया है इसका मतलब सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि जीरो को आप पॉजिटिव ना नेगेटिव कह सकते हो और -1, -2 इट्स न्यूट्रल और ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं देखूं तो कौन कौन आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बताया गया दिस इज डिविजिबल बाय क्या, क्यों ना हम पकड़ लेते हैं सर इन का वैल्यू 1 पकड़ लीजिए। अच्छा बस इतना आसान है, बस और क्या कहा मैंने, इन का वैल्यू 1 पकड़ लीजिए। इन का वैल्यू अगर 1 पकड़ते हो तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। तो सर ये जो प्रोडक्ट है ये निकालने का भी जरूरत नहीं है, आप आराम से देख सकते हो इस प्रोडक्ट को आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 3 के डिवाइड करने के बाद 1 × 2 × 4 × 5 × 6 × 7 रह जाएगा, और आप इसको 7 से भी डिवाइड कर सकते हो। इतना आसान सवाल, तो मैंने क्या बताया था आपको, 2 मार्क्स मिल गया मेरे दोस्त, 2 मार्क्स, और वो भी CSIR नेट जैसा एग्जाम में। ऐसा 2 क्वेश्चन लगाओगे पार्ट सी का 1 क्वेश्चन का समान है, सोचो। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? सो दैट इज हाउ चालाकी वर्क्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 and 7, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। सो एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी वैल्यू पकड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू पकड़ लीजिए, हमेशा के लिए आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो देखिए अगर ये ऑप्शन ले लेते हो 3 but not 7 हो नहीं सकता, 7 से तो हो रहा है, 7 but not 3 हो नहीं सकता, 3 से तो हो रहा है, इधर 3 not 7 बिल्कुल गलत है, ओनली 3 and 7 करेक्ट है। ठीक है करिए, चालाकी करिए। जब भी हर एक सवाल देता हूं बस सोचो मैं बहुत चालाक आदमी हूं, मुझे सोचना है, मुझे डीपली सोचना है, मुझसे होगा ही होगा, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। बी कॉन्फिडेंट देन यू कैन गेट द आंसर। ओके सो मौली मुखर्जी सिंह सर बार्क का रिकॉर्डेड कोर्स है और न्यू लाइव बैच आ रहा है, अब तो बोलिए क्या बताऊं सर, बार्क का रिकॉर्डेड कोर्स है और न्यू लाइव बैच आ रहा है, क्या बताना चाहते हो मौली मुखर्जी? देखिए मैं आपको कह देता हूं सिंपल बात, कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स और लाइव कोर्स में क्या फर्क है। रिकॉर्डेड कोर्सेस में आपको सिर्फ कंटेंट मिलेगा, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट का कंटेंट आपको टीचर डिलीवर करेगा, ना तो मोटिवेशन कम। जनरली क्या होता है रिकॉर्डेड कोर्सेस में, टीचर्स आते हैं और सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, और लाइव कोर्सेस में क्या होता है बेस्ट मुझे जो लगता है, मैन टू मैन इंटरेक्शन, बातचीत होते हैं, आपका प्रॉब्लम मैं सुन सकता हूँ, तो इतना ही डिफरेंस है, बाकी तो कंटेंट आपको सेम ही मिलता है करीब करीब। सर बार्क का एग्जाम के लिए पूछ रही हूँ, क्या पूछ रही हो वो तो बताओ सर, बार्क का रिकॉर्डेड कोर्स है और न्यू लाइव बैच आ रहा है, क्या पूछा आपने ये, व्हाट डू यू वांट टू से, आप आपके लैंग्वेज में ही बताइए, आप इंग्लिश में बताइए। सर बार्क का रिकॉर्डेड कोर्स है और न्यू बैच लाइव आ रहा है, ifsonline.com में जाइए, वहां पे आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो जो आपको ऑप्शंस मिलेगा बस वही कोर्स अवेलेबल है, अदरवाइज ifs live चैनल पे जाइए, ifs online लाइफ साइंस, उस चैनल के ऊपर वीडियो चेक करिए, वीडियो में देखिए कि बार्क का कोर्स के ऊपर कोई अनाउंसमेंट वीडियो है क्या, अगर है तो सर के बात सुनिए और उस कोर्स को आप वो करिए अवेल करिए। मौली बार्क का एग्जाम में केमिस्ट्री वगैरह कुछ आते हैं, डू यू नीड द बेसिक साइंस ऑल्सो, केमिस्ट्री वगैरह कुछ आते हैं मौली? सर आई एम आस्किंग इन IFS न्यू लाइव कोर्स अवेलेबल फॉर बार्क 22, हाँ ओके हाँ यस, मैं वही कह रहा हूँ कि बार्क का कोर्स जो है जरूर रहेगा, बार्क का कोर्स लॉन्च होने के लिए मैंने देखा था, बट यू मस्ट नो बिकॉज बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो रहा है, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑल यू हैव टू चेक IFS online life science channel में जाके उसका वीडियो चेक करना है, या फिर
ifsonline.com में जाके आपके सब्जेक्ट में बैचेस कोर्सेस के लिस्ट देखना है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। मैं देख सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब बताया, फैंटास्टिक। नो सर, बायोलॉजी बेस्ड एग्जाम। ओ देन ऑब्वियसली आई बिलीव द सीएसआई नेट बेस्ड सवाल है अगर आप कर रहे हो, और उसके बाद बार्ट का पीवाईक्यू कर रहे हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि आईएफएस में सीएसआई नेट लाइफ साइंस में जो पढ़ाया जाता है, इट ऑलमोस्ट कवर्स एवरी काइंड ऑफ एग्जाम्स। ओके, चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन सीएसआई नेट जून 2017। Many of you may think that how to solve this question, just keep believe in yourself, yes I can do that and magic will happen. How to do that? See, they are saying you that if they are added, they are distinct digits, A, B, C are three distinct digits. If they are added, you are going to get C, C and C. All I can see, find out the value of A, B, C. Obviously you can put the value, but always you should not put all the value. Agar aap put karoge, let's say isko 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. If you want to put, you see, you are going to get the value. Okay. So each of them should be 5, 5, 5. Each of them should be 5, 5, 5. As you can see easily, 3 300s cannot make to 5, 5, 5. This is a common sense. Okay. This is a very common sense. So open your eyes, be present. आपको presence of mind रखना पड़ेगा। अगर आप exam hall में ये add कर रहे हो, अगर मानिए कोई student है वो add कर रहा है, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 4, 4, 4, 16, 16, 4, 4, 8, 4, 12, 13, कोई जरूरत नहीं है ना। आप सिंपली देखो आपको देखना क्या है, 5, 5, 5 आना है, 3 300 मिलकर 5, 5, 5 नहीं आएगा मेरे दोस्त। सिंपल लॉजिक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में आ जाइए, 2, 3, 1। माय फ्रेंड, सी का वैल्यू 1, 1, 1 है, पूरा लिखने का जरूरत भी नहीं है। 3, 1 मिलाकर 3 आता है, आपको 1 चाहिए, नहीं हो सकता। इट इज नॉट नीडेड टू ऑलवेज राइट डाउन द नंबर। अगर आप ये नंबर भी लिख रहे हो 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, इट विल किल योर टाइम। सो बी स्मार्ट, okay, be very smart, that's the only way. So 1 plus 1 plus 1 cannot be 1, so just cross it. 3 plus 3 plus 3 should be 9, so last digit cannot be, samajh mein aa raha hai aapko, tino se milakar 9 aa jayega, you should get 3, so you are not getting it. So only option is this, C 555 will be 5 only. If you think about 185 185 185, in spite of writing this 3 times, multiply this by 3. How to multiply this by 3? 3 into 1, that is 300. 3 into 8, 8 means 8 tens. 8 into 3, 24, that is 240. You got 540 already. 5 into 3, that is 15. So basically, you are going to get 5, 5, 5. My friend, you get the answer, you get it. Yes or no? Number system ka sawal hai aur behtareen tarike se hum log kar rahe hai. Maja aaya ki nahi aaya, comment karke bataiye. मजा आया कि नहीं आया, जोर से कमेंट करके बताइए। और अगर मजा आ रहा है, सोचो खुद जब करोगे ऐसा, कितना मजा आ सकता है, कॉन्फिडेंस ही बदल जाएगा, राइट। सो दैट्स द स्पिरिट माय फ्रेंड, हाउ इजीली यू कैन सॉल्व इट, एंड आई डू बिलीव दैट यू हैव सॉल्व्ड इट। अगर आप खुद अभी तक खुद के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा भरोसा आपके ऊपर है, तो प्लीज कीप फेथ इन योरसेल्फ। आई डू बिलीव आप भी ऐसे सोच रहे हो, आप भी ऐसे कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल है क्या है। इस सवाल को करिए, सीएसआई ने दिसंबर 2021, क्या सवाल देख पा रहे हो जी? बताइए जल्दी, बताइए इसका जवाब का क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए। टेल मी फास्ट, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी फास्ट, जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए। इसके लिए थोड़ा वक्त मैं देता हूं, इट विल बी अ टाइम टेकिंग थिंग, बट आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे अगर आपका आईज आर ओपन, अगर मोक्ष लाभ हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी इसको करिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा।
क्या हुआ? कहाँ पे है हम लोग? 420. वाओ ग्रेट, दैट इज एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग. क्या बात है. सबसे पहले जवाब दिया शिवाजी. शिवाजी इज बैक. हाउ आर यू शिवाजी, कैसे हो आप? शिवाजी इज बैक. शुलग्न सरकार वेरी गुड. मिष्टी सिंह वेरी गुड. आकांक्षा राठी वेरी वेरी गुड. मौली मुखर्जी 420. 420. जेनिफर टेलिस. जेनिफर टेलिस आपका नाम मैं नया देख रहा हूँ. आप कहाँ से हो जी? आपका सब्जेक्ट क्या है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हो आप. मंजू गणेश जी 420. AGS SMS जी, व्हाट डू यू, आपका नाम क्या है जी? खतरनाक नाम है. सिमरन जी सर कहीं गए थे शायद. हाँ आपको वक्त देकर गए थे बस. चलो मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ 9. ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ 9, ठीक है लिख लेते हैं. द लार्जर नंबर इज 5 स्क्वायर लेस देन स्क्वायर ऑफ 25. तो 25 का स्क्वायर क्या है यार? मैं एक दिन सिखाया था आपको शॉर्टकट, 625 होता है. ठीक है, 25 का स्क्वायर शॉर्टकट कभी और सिखाऊंगा, आज बहुत टाइम ले चुका हूं वैसे ही. ठीक है, वैदिक ट्रिक. 625 से 25, 5 स्क्वायर मतलब 25 ले, मतलब बड़ा वाला नंबर जो है वो 600 है. ठीक है ना. लेस देन स्क्वायर ऑफ 25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द 24% ऑफ द स्मॉलर नंबर ऑफ द लार्जर नंबर. तो आपको एक नंबर मिल गया, दूसरा नंबर चाहिए. दोनों नंबर का सम ये बताया गया है. ये क्या आता है जी? 121 प्लस 9 क्यूब क्या होता है? 9981 एंड 9 इज 729. राइट, यस और नो बताइए. यस और नो. 72 कैसे किया मैंने? 9 स्क्वायर मतलब 81 इंटू 9, 9 इंटू 8 क्या होता है? 72, मतलब 720. 720 प्लस 9 यानी 729. तो अगर इन दोनों को आप ऐड भी करोगे तो क्या आता है? बहुत सिंपल बात है, 700 प्लस 100, 7 प्लस 1 8 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, मतलब 840, मतलब 850 बन गया. समझ में आ रहा है? ये वैदिक ट्रिक है ऐड करने का, देख लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से. आपने पहले 100 को ऐड किया, 1 प्लस 7 800 आ चुका है. लेफ्ट टू राइट ऐड कर रहे हैं हम, राइट टू लेफ्ट नहीं. 1 to 1 plus 7 800, 2 plus 2 4, 4 tens मतलब 40, 40 plus 9 plus 1 मतलब 10, मतलब 850. ठीक है, 850 आ गया है. ये 600 है मेरे दोस्त, मतलब छोटा नंबर हो गया है 250. सिंपल बात है. अब क्या बताया गया है? द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 25% ऑफ 4% ऑफ द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर क्या है? 250. उसका 24% चाहिए. कैसे निकालोगे? देखो बेहतरीन तरीके से निकालेंगे, जो भी करेंगे बेहतरीन तरीके से करेंगे यार. 100, इसका 24% चाहिए. आपको क्या चाहिए? 24% ऑफ 250 चाहिए. क्या कोई मैजिक कर सकता हूँ? देखते हैं यार. ठीक है, क्या कोई मैजिक कर सकता हूं मैं? ठीक है, तो देखो यार, 10% मतलब होता है 250, 10% मतलब होता है 25. ठीक है ना, 10% होता है मतलब 25, 2% क्या होता है? 5. आया ना, दोनों साइड से 5 से डिवाइड किया. हाँ या ना बताओ यार, हाँ या ना बताओ यार. 2% मतलब 5 हुआ ना. 4% मतलब क्या हुआ यार? 4% मतलब 10 हुआ. मतलब सर आपको 24 चाहिए. 24 मतलब 20 प्लस 4, 10% मतलब होता है 25, 20% होगा 50 और 4% 10 मतलब हो गया 60. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? मजा आया कि नहीं आया जल्दी बताइए. कुछ बेहतरीन करेंगे मैंने वादा किया था, और बेहतरीन ये है. 24% ऑफ 250 चाहिए. वो सब कैलकुलेशन वगैरह छोड़िए. 100% 25, 10% 25, 100% 250, 10% 25, 10% 25 मतलब दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो यार. तो ये 2% हो गया 5, मतलब 4% यानी 10. अब देखो 24% मतलब 20 प्लस 4, 10% 25 मतलब दुगना हो जाएगा यानी 50, और प्लस 4 यानी प्लस 10 यानी आ गया 60. तो 24% उसका आता है 60, उसका दुगना, ट्वाइस ऑफ दिस बताया गया है. ट्वाइस ऑफ दिस बताया गया है मतलब उसका दुगना यार यानी 120 होगा. उसका दुगना यार यानी 120 होगा. क्लियर है? 120 आ गया. और बताया गया है व्हाट इज द sum of twice of the 25% of the smaller number half the larger number. half the larger number क्या है? 300 है. तो 300 plus 120, 420. मजा आया कि नहीं आया बता? मजा आया कि नहीं आया मेरे दोस्त बताइए. कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, बस कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू हैव कॉन्फिडेंस.
It is very important to have life in your life the confidence. Whenever you are entering the exam hall, keep this faith in your mind that I am the great. I am going to do the best. और ये कॉन्फिडेंस वैसे नहीं आते हैं, कॉन्फिडेंस मेहनत से आते हैं. जो मेहनती है हर कोई को हक है कॉन्फिडेंट फील करना. हर कोई को हक है कॉन्फिडेंट फील करना. एग्जाम हॉल में एक भी सवाल नहीं होगा. सोचोगे यार मेरा नहीं हो रहा है तो किसी का नहीं हो रहा है. एग्जाम हॉल में कोई भी सवाल नहीं होगा. एक टाइम में अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है तो आप सोचोगे मेरा नहीं हो रहा है. हमेशा मैं कह रहा हूँ ये कब एप्लीकेबल है, जब आप मेहनती हो, जब पढ़ाई करके आए हो. अगर ना पढ़ाई करके जाते हो वो मैं एड्रेस नहीं कर रहा. अगर आप मेहनत करके गए हो और फिर भी आपका नहीं हो रहा है, सोचिएगा किसी का नहीं हो रहा है. ओके, कीप योर कॉन्फिडेंस टू द हाई. थैंक यू एवरीवन. लेट्स मूव ऑन. वन मोर क्वेश्चन वी हैव. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. वन मोर अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व दिस. सीएसआर नेट जीआरएफ December 2018. टू सॉल्यूशन एक्स एंड वाई कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स एबीसी इन द प्रोपोर्शन. डर मत जाइएगा, करेजियस बनिए तो देखकर डरिए मत. वेरी गुड आफ्टरनून सुमाई जी. सुमी जी, सर माई नेम इज ममतेश शाहिनी एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सेट एग्जाम 2023. आई एम फ्रॉम जयपुर. बिल्कुल, राजस्थान सेट के बारे में भी आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको जो भी जरूरत है आप बताइएगा. पेपर वन के बारे में मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ. ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस. क्लियर नहीं है सर. अच्छा अलीशा जी, क्या क्लियर नहीं है बताइए. क्या क्लियर नहीं है थोड़ा, क्या क्लियर नहीं है मुझे बताइए. अच्छा यहाँ पे जेनिफर जी, सर आई एम फ्रॉम इंदौर स्टडिंग इन अहमदाबाद. हैव क्लियर्ड गेट 2022, नाउ ट्राइंग सीएसएनएन. वेरी थैंकफुल फॉर योर एफर्ट्स इन मेकिंग दिस पॉसिबल. थैंक यू सो मच जेनिफर. नाइस टू हैव अ टॉक विथ यू. नाइस टू हैव एन इंट्रोडक्शन लाइक दिस. एंड येस, आई डू बिलीव यू कैन डू, यू कैन सॉल्व एनी, यू कैन क्रैक एनी एग्जाम विच यू वॉन्ट. आई डू बिलीव यू कैन क्रॉक एनी एग्जाम ऑफ इंडिया विच यू वॉन्ट बिकॉज यू हैव दिस कैलिबर. आई कैन फील द वाइब. आई कैन फील द वाइब. जस्ट गो फॉर इट. कीप सेल्फ बिलीव. यू कैन श्योरली सॉल्व. सर व्हाइट पेज मत क्या करिए क्योंकि. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक. आलिशा जी बहुत ईजी सवाल है. कुछ नहीं है ना, आपको लाइन बाई लाइन पढ़ना है. दोनों नंबर का साम था 11 का स्क्वायर और 9 क्यूब का समान. यानी दोनों नंबर का साम 850 होना चाहिए था. दूसरा नंबर बताया गया है 625 से 25 कम है. 25 का स्क्वायर से 5 स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर 25 कम है. तो एक नंबर 600 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 600 प्लस 250 होगा जो 850 देगा. छोटा नंबर बड़ा नंबर मिल गया. अब लास्ट वाला लाइन को और पढ़िए और एज इट इज उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. कोई भी डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बस ट्राई करिए. ओके, बस ट्राई करिए. बस और बस ट्राई करिए. अभी 5 मिनट में हो जाएगा ये सेशन. ठीक है, जो जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या है. ठीक है, क्लियर है ना आकांक्षा. क्लियर है, इज दैट क्लियर. दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर क्लियर नहीं है मैं थोड़ा बड़ा कर दूं. अच्छा थोड़ा बड़ा कर देता हूं, कोई बात नहीं. ठीक है, जल्दी बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा. एच डी क्वालिटी है, आपको क्या इश्यू है देखिए आराम से आप देख पाओगे. ठीक है, जल्दी जल्दी मुझे बताइए क्या जवाब होगा. बहुत इजी क्वेश्चन है, करेज रखिए, डर मत जाइएगा. ये सवाल देखकर मेरा बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं. मैं कहता हूं यार डरो मत, क्या करेगा ये, जान ले लेगा क्या. इजी सवाल है. टू सॉल्यूशन एक्स वाई कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स एबीसी इन द प्रोपोर्शन ए इज टू बी इज टू सी. पहले वो देख लीजिए, ए इज टू बी इज टू सी और दूसरे में सी इज टू बी इज टू ए आर मिक्स्ड फॉर द रिजल्ट इन मिक्सचर टू हैव ए बी सी इन इक्वल प्रोपोर्शन. मतलब हर एक का इक्वल प्रोपोर्शन होगा. ये सबसे इजी क्वेश्चन है आज का, सबसे बच्चों वाला सवाल है ये. मैं आपको वादा करता हूं करने के बाद आपको लगेगा सबसे बच्चों वाला सवाल है. जल्दी करिए. तो दोनों मिक्सचर है, एक का रेशियो है ए इज टू बी इज टू सी, दोनों में ही ए इज टू बी सी. ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो दोनों में ही क्या है, देखो यार इसमें तो है ए इज टू बी इज टू सी, इसमें तो है सी इज टू बी इज टू ए. तो हम पकड़ लेते हैं ना सर, हम पकड़ लेते हैं. मानिए ये ए ग्राम है, ये बी ग्राम है और ये सी ग्राम है. और यहां पर भी बदल लेते हैं, ये सी ग्राम है, ये बी ग्राम है, ये ए ग्राम है. कॉम्प्लेक्सिटी बनाने का क्या जरूरत है, नॉर्मल पकड़ लीजिए. वेरी वेरी गुड आकांक्षा, रियली रियली प्राउड ऑफ यू. मौली वेरी गुड, शिवाजी वेरी गुड, शुलोकना वेरी गुड, सिमरन वेरी गुड, जेनिफर वेरी गुड. मैंने कहा ना आप लोग बहुत बेहतरीन हो. ये कैलिबर हो, इसको बिल्कुल वेस्ट मत होने दीजिएगा.
हमारे देश में बहुत जरूरत है अभी कैपेबल लोगों का, और आप लोग कैपेबल हो। और मुझे, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, आई हैव दिस पैशन कि हमारे यूथ के साथ टाइम बिताना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि दे वही भविष्य है, वही सब कुछ है। ठीक है, आज एक 20 साल का, 25 साल का लड़का कहता है हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कौन कौन परदादा आके करके जाएगा। हर देश का यूथ ही सबसे कैपेबल है, आप ही देश का भविष्य हो। आप जो करोगे उसी के ऊपर निर्भर करेगा नेक्स्ट जनरेशन कैसे सर्वाइव करेगा, क्योंकि आपके पास सबसे एनर्जी है। जो उम्र हो चुका है, दे आर नॉट गोइंग टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर और दे आर नॉट गोइंग टू डिसाइड योर करियर। यू आर द वन, द मोस्ट पावरफुल ऑफ आवर कंट्री। तो आपको सोचना है कि आपका काबिलियत को आप कैसे काम पे लगाओगे। तो देखिए, ए जो है यहाँ पे, ए ग्राम है और सी ग्राम है, तो दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो न्यू मिक्सचर में एज टू बी टू सी क्या आएगा, यही तो बात है ना। तो न्यू मिक्सचर में दोनों को अगर मिक्स करोगे मेरे दोस्त बच्चों, जैसा सोचिए, ए और सी मिलाकर बनेगा ए प्लस सी। अच्छा, बी और बी मिलाकर बन गया 2B। अच्छा, ए और सी मिलाकर फिर से बनेगा ए प्लस सी। अच्छा सर, लेकिन बताया गया है हर कोई इक्वल है। देखो सर, कोई का प्रोपोर्शन इक्वल है, मतलब सर क्या बन गया, ए प्लस सी शुड बी इक्वल टू बी, ए प्लस सी शुड बी इक्वल टू बी, ए प्लस सी शुड बी इक्वल टू बी, यानी बी बन गया ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। इतना इजी सवाल, तो मैंने क्या कहा, एक भी सवाल डिफिकल्ट नहीं होते हैं। माई फ्रेंड, थैंक यू सो मच, आई बिलीव यू हैव एंजॉयड द सेशन, यू हैव लर्न समथिंग न्यू। क्वेश्चंस लेवल भी नया था बिल्कुल आपके लिए, क्वेश्चंस लेवल में अपग्रेडेशन आए हैं, ताकि नया साल नया सब कुछ, और आप में भी चेंज आना चाहिए, राइट, मुझ में भी चेंज आना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई बिलीव ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया और नए नए चीजें आज सीख कर जा रहे हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ाई करिए, बहुत मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करिए और खुद के ऊपर भरोसा रखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपका जो सपना है वो साकार होगा ही होगा। थैंक यू, लेट्स मीट टुमारो एट 11 AM अगेन, वन अगेन, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन। ठीक है, थैंक यू जी, मौली, आकांक्षा, शिवाजी, मोंजू, अलीशा, एजीएस, शुलोगना, सिमरन, भूमिका, वेरी वेरी थैंक यू सो, वेरी थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके, थैंक यू सर, दिस वाज मच नीडेड मोटिवेशन। जेनिफर, बिलीव मी, इट्स यू पीपल आर वेरी कैपेबल, बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, वी नीड यू। सुवर्णा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, लेट्स मीट वंस अगेन टुमारो 11 AM, गुड बाय।